हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो पे जो आप लोगों ने मुझे कमेंट में जो क्वेरिया दिए, तो इसके रिगार्डिंग मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखें। तो सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप आज का अपना पहला टॉपिक है कि टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पोलैंड। तो ये लिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो, वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ रोसो, रोसो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ गडांग्स, गडांग्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, लोअर सिलेसिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। सो तो दूसरी जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी आती है पोलैंड की, उसका मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको पढ़ लें। तो आज का अपना दूसरा टॉपिक है कि एडमिशन प्रोसीजर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो पहला है कि आप आ रहे हो बैचलर के लिए आफ्टर 12th, तो उसके लिए आपको चाहिए 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। उसके बाद आप अपने CBSE से पास आउट किया है आपका 12th, तो उसके लिए इंग्लिश इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए। अदरवाइज आपने IELTS दी हो तो IELTS का सर्टिफिकेट चाहिए, और कि अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा आपको 10th का एंड 12th का जो मार्कशीट होती है उसको आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। दूसरा है मास्टर्स के लिए जो आ रहे हैं 10th और 12th और 10th के बाद डिप्लोमा करके जो आ रहे हैं, तो उसके लिए 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, और आपने डिप्लोमा पास आउट किया है तो डिप्लोमा के सब सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए, और आखिर में जो डिग्री सर्टिफिकेट रहता है, फाइनल जो डिग्री आपकी आती है वो चाहिए। और बैचलर का पास आउट आपने जो किया है सारा, तो बैचलर की ऑल मार्कशीट चाहिए और बैचलर का फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए भी अपोस्टाइल रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए है कि आपको अपोस्टाइल के लिए आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो आपका जो लास्ट एजुकेशन है कि 12th है, बैचलर है, अदरवाइज डिप्लोमा है आपका, तो आपको चाहिए कि 12th की मार्कशीट को आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा, डिप्लोमा की मार्कशीट को आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा, और फाइनल जो बैचलर की डिग्री सर्टिफिकेट है उसको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। उसके लिए भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स सेम ही है, जैसे कि वो इंग्लिश इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से लेना रहता है हमको। दूसरा है कि आपको डिप्लोमा और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट लानी पड़ेगी। तो इतने डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एट अ टाइम वहाँ पे चाहिए होगा। तो आप आज का अपना आखिर और तीसरा टॉपिक है कि एडमिशन प्रोसीजर कैसे होती है पोलैंड के लिए। तो पहले तो आपको इंडिया से ऑनलाइन यूनिवर्सिटी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। उसके बाद है तो उसमें कौन से कोर्स है, आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हो। तो पहला हो गया यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, उसमें से कोर्स सिलेक्ट करो, ये दोनों हो जाए तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक ऑनलाइन पोर्टल होता है कि यहाँ वहाँ पर वो लोग एडमिशन प्रोसीजर करते हैं। तो उस ऑनलाइन पोर्टल पर जाओ, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना, उसके बाद उसमें आपका डेटा फिलअप करो। डेटा फिलअप करोगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना आएगा, तो जितने जितने भी उन लोग को रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, कि जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए वो आप अपलोड कर दो। ये सब होने के बाद आप जब एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो विद इन 2 वीक्स वो लोग आपको कंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देंगी। अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगा तो आपको वही ऑनलाइन पोर्टल पे या आपने जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है तो उस पर आपका वो कांटेक्ट करेंगे, आपको मेल करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमको चाहिए और ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो 2 वीक में वो उन लोग का फाइनल कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा। कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाने के बाद आपको फीस पेमेंट करना रहेगा। फीस पेमेंट से पहले है कि आपने IELTS नहीं दिए तो एक स्काइप इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी, उसमें आपको टास्क दिए जाएंगे जो इंग्लिश में रहते हैं नॉर्मली, वो कुछ टास्क है वो आपको देने करेंगे, और उसके रिगार्डिंग वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे कि कितना है, B1 लेवल, B2 लेवल, वो जो भी है। तो स्काइप इंटरव्यू होगा और फाइनली आपको फीस पे कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाने के बाद आपको फी पेमेंट करनी रहेगी। तो फी पेमेंट के बाद
आप जैसे भी फ्री पेमेंट करते हो उनका उसका भी एक पीरियड है कि आप जब आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है तो ऑफर कंडीशनल ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको विद इन वन मंथ एक महीने में आपको फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट के बाद आपको वो लोग 20 या 25 दिन में आपको फाइनल ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनल ऑफर लेटर आ जाने के बाद आपको वीज़ा के लिए जाना पड़ेगा, वीज़ा के लिए एप्लीकेशन पड़ेगी, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो पोलैंड में ऐसे एडमिशन होता है वो मैंने आपको बताया कि कैसे स्टेप वाइज वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों की क्वेरी पे, आप लोगों की कमेंट्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ ऐसा ही रिस्पांस मुझे इस वीडियो पे दो। और आपको कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा और दूसरा वीडियो भी जल्द से बनाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।